छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और रायपुर नगर निगम के चुनाव से पहले सितंबर में सामान्य सभा का आयोजन किया जाएगा। 4 महीने के बाद होगी रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा और प्रश्नकाल के लिए पार्षदों से सवाल भी मंगाए गए हैं। पेयजल संकट, सड़कों में गड्ढे का मसला उठेगा, साथ ही साथ आवारा कुत्तों, ठप पड़े विकास कार्य का मुद्दा भी उठने वाला है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ चुनाव है, जनता के मुद्दों को यहां पर उठाया जाएगा। बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि रायपुर नगर निगम के चुनाव से पहले सितंबर में सामान्य सभा लगाई जाएगी और 4 महीने के बाद ये सामान्य सभा होने वाली है। ऐसे में प्रश्नकाल के लिए पार्षदों से सवाल जो है वो मंगा लिए गए हैं और जो इसकी तैयारियां हैं सामान्य सभा की वो शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि पेयजल संकट, सड़कों में गड्ढे का मसला उठेगा, साथ ही साथ आवारा कुत्तों, ठप पड़े विकास कार्यों का मुद्दा भी उठाया जाएगा और प्रश्नकाल के लिए पार्षदों से सवाल मंगाए जा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, नगर निगम के चुनाव से पहले ये सामान्य सभा कितनी खास हो जाती है और इस बार किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है? देखिए, बेहद खास ये सामान्य सभा रहेगी क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव से पहले ये रायपुर नगर निगम की अंतिम सामान्य सभा होगी। ऐसे में विपक्ष चाहेगा कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए और जो तमाम विकास कार्यों के मुद्दे हैं या फिर आवारा कुत्ते के मुद्दे हैं या फिर कई और मुद्दे हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर आक्रामक होती हुई भाजपा नजर आएगी। इसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार सदन में सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस को घेरने की तैयारी रहने वाली है और इस बार का सामान्य सभा पर कई सवाल मंगाए गए हैं और जिस प्रकार से जानकारी है कि पहले 1 घंटे प्रश्नकाल को दिए जाएंगे, प्रश्नकाल के बाद में जो तमाम मुद्दे रहेंगे, ध्यान आकर्षण रहेगा या फिर अन्य मुद्दे रहेंगे, उस पर विस्तृत चर्चा होती नजर आएगी। शासकीय कार्य को भी संपादित किया जाएगा क्योंकि इसके बाद नगरीय निकाय का चुनाव है, तो ऐसे में कांग्रेस तमाम तरीके से, कांग्रेसी पार्षद तमाम तरीके से जो विकास कार्य के मंजूरी है वो चाह रहे हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर यह कहा गया है कि चुनाव से पहले जो है उद्घाटन किया जाए, शिलान्यास किया जाए और तमाम चीजें किया जाए, तो इस बार सरकारी कार्य भी संपादित होंगे लेकिन सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, वाला है। और हमने देखा है कि लगातार विपक्ष जो है वो जनता से जुड़े मुद्दों को, जन कल्याण मुद्दों को लेकर सरकार को लगातार घेरता हुआ नजर आया है। ऐसे में ये सभा जो है ये बस नाम की सामान्य है, सामान्य होने नहीं वाली है।